दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फेसबुक पेज हैक हो गया है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैंने 10 बातें ऐसे नोट की हैं जो कि पेज हैक होने के बाद ज़रूर से कर लेना चाहिए, वरना आपका दूसरा पेज भी हैक हो सकता है। अगर आपने अपने फेसबुक अकाउंट से कई सारे पेज बनाए हैं तो अभी आपका एक पेज हैक हुआ है तो आपका दूसरा पेज भी हैक हो सकता है, तीसरा पेज भी हैक हो सकता है, या फ्यूचर में आप कोई नया पेज बनाकर उस पर काम करेंगे तो वो पेज भी हैक हो सकता है। आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो सकता है और साथ ही साथ आपका जो मोबाइल फ़ोन है, जिस फ़ोन से आपका पेज हैक हुआ था, वो फ़ोन भी टोटली हैक हो सकता है। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर अपने पेज पर काम करते हैं तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप भी हैक हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिनका फेसबुक पर पेज है। अगर आपका पेज हैक नहीं हुआ है तो भी आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि आपका पेज भी हैक हो जाए। इससे पहले कि फ्यूचर में आपके फेसबुक अकाउंट या आपके फेसबुक पेज के साथ कुछ गलत हो, आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए, मैं सभी पॉइंट्स को एक एक करके आपको डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट बनाता रहता हूं। दोस्तों, फेसबुक पेज हैक होने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने फेसबुक अकाउंट के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को चेक करना है। कैसे चेक करना है? आपको अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करना है, उसके बाद यहाँ पर अपने प्रोफाइल फोटो पर राइट साइड में क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाना है। सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, आप अपने फेसबुक अकाउंट के सेटिंग्स वाले पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको बाईं तरफ अकाउंट सेंटर लिखा हुआ दिखाई देगा। अकाउंट सेंटर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने फेसबुक अकाउंट के वो डिटेल्स दिखाई देंगे जो कि सिर्फ आपको ही दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनल डिटेल्स लिखा हुआ एक ऑप्शन दिख रहा है, पर्सनल डिटेल्स पर सिंपली क्लिक करना है। जब आप पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में यहाँ पर हमें दिखेगा पर्सनल डिटेल्स, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो एक ऑप्शन दिखेगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, हमें यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फो पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट में जो जीमेल अकाउंट और जो फ़ोन नंबर दिया गया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर आपको कोई दूसरा जीमेल आईडी, जीमेल अकाउंट या फिर कोई भी दूसरा अकाउंट या मोबाइल नंबर दिखाई देता है, कोई भी दूसरी आईडी दिखाई देती है, कोई भी दूसरा मोबाइल नंबर कुछ भी दिखाई देता है सस्पिशियस, जो कि आपने ऐड नहीं किया था, उसे आपको तुरंत यहाँ से रिमूव कर देना है। रिमूव कैसे करना है? सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आगे जाके रिमूव का ऑप्शन आएगा। देखते हैं, आप लिखा है डिलीट मेल एड्रेस, हम यहाँ डिलीट मेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो ये जो ईमेल आईडी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके फेसबुक अकाउंट में कहीं कोई सस्पिशियस ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ऐड तो नहीं किया गया है हैकर के द्वारा। अगर ऐसा है तो इट मीन्स कि आपका आने वाला पेज या आपका फेसबुक अकाउंट आने वाले टाइम में कभी भी हैक हो सकता है दोबारा। इसके बाद दूसरा काम जो आपको करना है वो अपने बिजनेस अकाउंट को चेक करना है। बिजनेस अकाउंट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है business.facebook.com, जिसके बाद हम आ जाएंगे मेटा बिजनेस सूट वाले पेज पर। अब यहां पर आने के बाद छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो यहां पर देखते हैं दिखाई दे रहा है, हमें सिंपली यहां पर ही क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करेंगे तो नीचे बिजनेस अकाउंट्स दिखाई देगा। अब इस फेसबुक अकाउंट में आप देख सकते हैं एक बिजनेस अकाउंट बनाया गया है जो कि ये वाला है। इसके ठीक नीचे एक बिजनेस एसेट, वन बिजनेस एसेट लिखा हुआ है, यानी कि इस बिजनेस अकाउंट में एक एसेट को ऐड किया गया है। अब ये एसेट क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिए कि फेसबुक की भाषा में फेसबुक पेज को या इंस्टाग्राम अकाउंट को एसेट कहा जाता है। इस बिजनेस अकाउंट में एक एसेट को, यानी कि एक फेसबुक पेज को या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई दूसरा बिजनेस अकाउंट दिखाई दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके फेसबुक अकाउंट में हैकर ने बिजनेस अकाउंट बना करके अपनी जगह बना ली है और आपके अकाउंट पर बैठा हुआ है। यहाँ पर आपको अगर दूसरा बिजनेस अकाउंट दिखाई दे या फिर आपका खुद का बिजनेस बनाया हुआ बिजनेस अकाउंट है तो भी आप उसे चेक कर लें। सिंपली यहाँ सेटिंग का जो बटन दिख रहा है सेटिंग्स पर क्लिक करें। सेटिंग्स पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने बिजनेस अकाउंट का जो सेटिंग वाला पेज होता है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक किया है, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है ये नाम है उस अकाउंट का जो कि इस बिजनेस अकाउंट का फुल कंट्रोल लेके बैठा हुआ है। जैसे अब देखते हैं यहाँ पर इनका ही नाम लिखा हुआ है, जिनका फेसबुक अकाउंट है उन्हीं का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर फुल कंट्रोल लिखा हुआ है। फुल कंट्रोल मतलब कि इस बिजनेस अकाउंट पर पूरी तरह से इनके ही फेसबुक अकाउंट का कंट्रोल है। अगर यहाँ पर आपको किसी दूसरे का नाम दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि उस बिजनेस अकाउंट पर हैकर का कंट्रोल है, आपका कंट्रोल नहीं है। और इस बिजनेस अकाउंट में जो भी पेज होगा, जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, उस पर भी हैकर का ही कंट्रोल होगा। आप यहाँ पर सिंपली देखेंगे आपको बिजनेस सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, बिजनेस सेटिंग पे सिंपली क्लिक करेंगे। बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज दिखाई देगा इस प्रकार का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है ये बिजनेस अकाउंट है और इस पर सॉरी फेसबुक अकाउंट है, इस पर फुल कंट्रोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ईमेल आईडी वगैरह दिख रहा है।
यहाँ पर अगर आपको कुछ और दिखता है, किसी और का ईमेल आईडी, किसी और का नाम दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि वो बिजनेस अकाउंट भी हैक हो चुका है। और उस बिजनेस अकाउंट में आप जो भी पेज को ऐड करेंगे फ्यूचर में, चाहे जब, वो कभी भी हैकर आपके फेसबुक अकाउंट से रिमूव कर सकता है, एक्सेस उसका आपसे छीन सकता है। अगर आपने यहाँ पर दूसरे फेसबुक अकाउंट पेज को या फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लिंक करके रखा था, तो आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा पेजेस का, पेजेस पे क्लिक करिए और उस पेज को रिमूव कर दीजिए। जैसे आप पेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने इस बिजनेस अकाउंट में कौन से पेज को ऐड करके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको रिमूव का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आप उसे रिमूव कर दीजिए। अगर आपको इससे पहले वाले पेज पर कुछ भी सस्पिशियस दिखता है, तो यहाँ से आप सबसे पहले इसे रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद जैसे आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो आपके बिजनेस अकाउंट से आपका जो पेज है ना, वो हट जाएगा। अगर आपका पेज यहाँ से रिमूव नहीं होता है, तो सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को अलग कर दीजिएगा, यानी कनेक्ट करके रखा है अगर आपने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को, तो आप उसे डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद भी अगर रिमूव नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि आपको इससे पहले वाले पेज पर, यहाँ पर आपको कोई दूसरा यूजर दिख जाएगा। जैसे पीपल पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दूसरा दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट या आपके दूसरे पेज पर भी हैकर ने कंट्रोल कर रखा है। अगर अभी तक कंट्रोल नहीं किया है, तो जल्दी से आप ये काम कर लीजिएगा, अपने बिजनेस अकाउंट से अपने दूसरे पेज को रिमूव कर लीजिएगा। इसके अलावा आप एक चीज़ यहाँ पर और चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, तो आपको दिखेगा बिजनेस इन्फो का एक ऑप्शन। सिंपली बिजनेस इन्फो पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको इस बिजनेस का सारा डिटेल, यानी इस बिजनेस अकाउंट का सारा डिटेल दिखाई देगा। एड्रेस होगा तो एड्रेस, नाम, बाकी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई सस्पिशियस कोई दूसरा ईमेल आईडी दिखता है, तो आप उसे रिमूव करने की कोशिश करें। अगर फुल कंट्रोल नहीं होगा हैकर के पास, तो वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर फुल कंट्रोल रहेगा तो आप उसे रिमूव नहीं कर पाएंगे। आपको बस यही करना है कि अपने उस फेसबुक अकाउंट को बहुत ही संभाल के यूज करना है, कोई भी ऐसी चीज़ को ऐड करके नहीं रखना है जो कि हैकर ले जाए, तो आपको तकलीफ हो या आपको प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ भी आपको एक्टिविटी नहीं करना है। कोई भी ऐसे पेज को अपने बिजनेस अकाउंट में ऐड करके नहीं रखना है। इसके बाद दोस्तों, जो तीसरा काम आपको करना है, वो है अपने डिवाइस को, यानी अपने मोबाइल फ़ोन या फिर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को चेक करना है कि कहीं कोई वायरस आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल तो नहीं किया गया है, कोई मालवेयर तो नहीं इंस्टॉल किया गया है, जिससे कि आपके डिवाइस का पूरा कंट्रोल हैकर के पास जा सकता है। आपको पता होगा, हैकर जब आपके पेज को हैक करता है, लिंक देता है, तो उसमें आपसे सीएसआई और एक्सेस कोड मांगता है। सीएस और एक्सेस कोड की मदद से वो आपके पूरे डिवाइस को हैक कर सकता है, यानी अगर आपका लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है या फिर आपका कंप्यूटर है, तो पूरे के पूरे आपके डिवाइस को, आपके लैपटॉप कंप्यूटर है मोबाइल फ़ोन को, वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा होता है। और जो भी एक्टिविटी आप अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में करेंगे, वो सब कुछ हैकर को पता चलता रहता है। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में एंटीवायरस को रन करें, एंटीवायरस से चेक करें कि आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में कोई मालवेयर इंस्टॉल तो नहीं किया गया है। अगर ऐसा कुछ है, तो जल्दी से अपने फ़ोन को रीसेट या फॉर्मेट कर लीजिएगा। उसके बाद अपने फेसबुक अकाउंट को फिर से लॉगिन करिएगा या फिर दूसरे फेसबुक दूसरे डिवाइस में अपने अकाउंट को लॉगिन करके चेक करिएगा इन सारे डिटेल्स को। ये सब कुछ करने के साथ साथ दोस्तों, जो अगला पॉइंट है, वो है अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना। आपको अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड तुरंत चेंज कर देना चाहिए, और चेंज करने के बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आपने नहीं लगाया था, तो तुरंत आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करेंगे, तो आपके फ़ोन नंबर पर ओटीपी आएगा, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। हैकर भी जब लॉगिन करेगा, तो ओटीपी के बिना वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर आप ऑथेंटिकेटिंग ऐप का इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर को आपको इनेबल करके रखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, जो अगला काम आपको करना है, वो अपने दूसरे सभी पेजेस को रिमूव करना है तुरंत से उस फेसबुक अकाउंट से। अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट से मल्टीपल पेज बना के रखे हैं, कई सारे पेज आपने बनाए हुए हैं, तो आपको अपने बाकी के सभी जो पेज आपके पास बचे हुए हैं, उन सभी पेज को जल्दी से जल्दी अपने फेसबुक अकाउंट से रिमूव करके किसी दूसरे फेसबुक अकाउंट पर ट्रांसफर कर लेना है, यानी कि एडमिन को चेंज कर देना है। जल्दी से एडमिन को पूरी तरह से फुल कंट्रोल के साथ चेंज करें, ताकि आप अपने दूसरे फेसबुक अकाउंट से या अपने भाई, अपने मित्र या अपनी बहन, किसी के भी फेसबुक अकाउंट पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एडमिन चेंज करने के बाद कम से कम अपने बचे हुए पेज को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो हैकर आपके दूसरे पेज को भी हैक कर लेगा, जिससे कि आपके कई सारे पेज भी जा सकते हैं, और आपको प्रॉब्लम क्या होगी रिकवर करने में, वो आपको पता ही होगा। अगर आपका पेज हैक हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको पेज को रिकवर करने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है। अब ये सब करने के बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को चेक करना है, पासवर्ड चेंज करना है, बिजनेस अकाउंट को चेक करना है, पेज को रिमूव करके ट्रांसफर करके किसी दूसरे फेसबुक अकाउंट पे शिफ्ट करना है, यानी कि एडमिन चेंज करना है। ये सब कुछ करने के बाद आपको फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करना है। फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से जब तक आप कॉन्टैक्ट करेंगे, उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें कर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके बचे हुए पेज आपको मिल जाएँ, आपके पास रहें, हैक ना हो।
फेसबुक से कैसे कांटेक्ट करना है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा। जब एक बार आपका फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से कांटेक्ट हो जाएगा तो आपको फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट द्वारा बताए गए सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है ताकि आप अपने पेज को रिकवर कर पाएं। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो में अब तक मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं आपको समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी जिनका कमेंट रह जाता है उनसे मैं सॉरी भी बोलता हूँ, क्योंकि अभी मेरे वीडियोस पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें से कुछ कमेंट्स छूट भी जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपने अपने फेसबुक अकाउंट पर ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से चेक कर लिया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा कॉन्टेंट बनाता रहता हूँ।